नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे घर के कामों में या गार्डन में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने कि इस सितंबर के महीने में कौन कौन सी कटिंग लगाना बेहतर होगा, और बारिश के समय बहुत जल्द कटिंग लग भी जाती है और आजकल तो हर एरिया में बारिश हो रही है दोस्तों, तो आप ज़रूर इस पौधे को लगाएं। ये हमारा है टिकोमा का पौधा, टिकोमा का प्लांट। दोस्तों, मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है, तो आजकल आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से तोड़ के मैंने करीब एक हफ्ता 10 दिन पहले कटिंग लगाई थी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, और इसकी कटिंग बहुत अच्छी चल रही है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने इधर छुपा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये कटिंग मैंने लगाई है और बहुत अच्छी चल रही है। आप भी इसकी कटिंग आजकल बारिश में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट पौधा है हमारा एडेनियम का, इसकी भी कटिंग आजकल आप जल्द लगा लें, बहुत अच्छी चलेगी। आप देखें, आपके पौधे में जिस पौधे में ज़्यादा फूल ना आ रहे हों, उस टहनी को आप काट करके लगा सकते हैं। करीब 6 से 10 इंच की कलम आप इसकी लगा सकते हैं। मैंने लगाया हुआ है, आपको दिखा रही हूँ। बहुत बेस्ट पौधा है ये हमारे गार्डन का, परमानेंट प्लांट है और साल भर हमेशा फूल देने वाला। इसी कटिंग मैंने लगाई है जो आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। इसकी कटिंग मैंने छुपा के रखी है, ये देखिए लग भी गई है। ये देखिए, ये कटिंग मैंने इसकी लगाई है और बहुत अच्छी चल गई है। दो कटिंग लगाई है, एक ये है, एक ये नीचे है। ये देखिए, और ये देखिए लग गई। नेक्स्ट पौधा है आपका ये अरंथमम का, ये देखिए दोस्तों, ये भी कटिंग, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। कितनी सुंदर सुंदर पत्तियां होती हैं और हर मौसम में इसकी पत्तियां कलर चेंज करती हैं। ये पौधा भी हमारा कटिंग से लगाया हुआ है, देख देख सकते हैं आप। ये आप जैसे जैसे ही लगाओगे, इतनी सी कलम तोड़ करके, इतनी सी टहनी तोड़ करके जो कि त्यों बनी रहती है, सूखती भी नहीं है। और दोस्तों, हमारा अगला पौधा है क्रिस्थमम गुलेदाउदी, ये देखिए बहुत ही सुंदर पौधा है। आजकल इसका टाइम है बारिश में, फटाफट आप कटिंग लगाएं। मैंने भी कटिंग लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये कटिंग मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं। ये देखें, आप भी लगा सकते हैं आजकल, फटाफट देर मत करिए। और नेक्स्ट पौधा है ये पर्पल हार्ट, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, आप इसे लगाएं। मैंने कटिंग से, देखिए ये भी लगाया है कटिंग से, बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। जब आप कटिंग लगा देते हैं तो उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, देखिए, और बहुत सुंदर पौधा लगने लगता है। ये देखिए, और नेक्स्ट पौधा है हमारा ये जठरोफा, ये भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई हुई है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा पौधा जो लगा है, ये भी कटिंग से लगाया मैंने दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट है हमारा, इसको आप देख करके समझ गए होंगे, जेट प्लांट। बहुत बड़ा हमारे गार्डन में है और मैंने इसको, ये करीब 7-8 साल से हमारे गार्डन में लगा हुआ है दोस्तों। मैंने इसकी कटिंग बहुत बांटी और लगाई भी है, तो इसकी बहुत मैंने कटिंग लगाई है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कटिंग से लगाया है। छोटे छोटे बॉम होते हैं जो अचार रखने वाली बरनी, उसी में लगाया। देखिए कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, तो इसे आप छोटी सी कटिंग आप इतनी काट करके लगाएंगे तो आपके गार्डन में बहुत अच्छी चलेगी। तो दोस्तों, अगला पौधा है हमारा पत्थरचट्टा का, ये देखिए। इसकी तो आप कटिंग लगाएं या एक पत्ती तोड़ करके लगा दें, बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाता है। ये मेरा देखिए कटिंग से ही लगा हुआ है पौधा, बहुत ज़्यादा प्लांट इसके निकले हैं। एक भी पत्ती गिर जाएगी तो पूरा पौधा तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट पौधा है हमारा ये सिंगोनियम का, ये देखिए मेरे पास कई तरह का सिंगोनियम है, तो ये भी कटिंग से लगता है। और इसकी देखिए रूट्स
इसमें भी कटिंग से लगाया और इसकी ये देखिए जड़ें यहाँ से कट करके आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा चल जाता है। इसे आप पानी के बोतल में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा दोस्तों। आप लगाइए और हरा भरा गार्डन करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इन पौधों की कटिंग देर ना करें, बिल्कुल फटाफट लगा लीजिए कहीं से मिल जाती है तो। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।